तकरीबन 50 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया ने एक विमान बनाया और ये विमान जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं ये ऑस्ट्रेलिया का तकरीबन 5 दशक के बाद बनाया गया एक विमान है और ये विमान इसका नाम है लॉयल विंग्समैन। दरअसल विमान जो है वो एक फाइटर जेट है लेकिन ये अनमैन्ड है, इसीलिए हम सोचा कि आपको आज बताया जाए कि आखिर विमान कितना खास है। दरअसल इस विमान को जब बनाया गया और इसकी पहली फ्लाइट टेस्ट हुई तब ये सफल रहा था। सबसे पहले आप इसका पहला फ्लाइट टेस्ट देखिए। ये विमान बहुत सारे मायनों में खास है। सबसे पहली बात कि इसे आप आम कर सकते हैं, यानी एक बिल्कुल इस विमान को आप फाइटर जेट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये विमान पता ही नहीं चलता कि किस तरह से काम करता है। जो और सबसे बड़ी खास बात हो ये है कि तकरीबन 16 ऐसे अनमैन्ड विमान जो हैं एक मैन्ड विमान के साथ लाइनअप कर हो सकते हैं और इनका कंट्रोल वो मैन्ड विमान कर सकता है, यानी एक साथ 17 विमान हमला करने के लिए दुश्मन के ठिकाने की तरफ बढ़ सकते हैं और बिल्कुल कंट्रोल्ड तरीके से। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है लेकिन आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की एयरफोर्स ने और बोइंग ने साथ मिलकर इस विमान को बनाया है और इसके बारे में जो जानकारी दी गई है उसमें सिर्फ इतना ही बताया गया है कि ये विमान जो है तकरीबन 38 फीट लंबा है और ये इसकी जो रेंज है वो 2000 नॉटिकल माइल यानी तकरीबन 3704 किलोमीटर है और इसकी जो सबसे अगला हिस्सा है नोज जो है उस पर आप कई तरह के पेलोड्स फिक्स कर सकते हैं। हालांकि इसको लेकर कोई सटीक जानकारी नहीं है कि आखिर वो पेलोड कितना होगा। इस विमान को ऐसी लड़ाई के लिए डिजाइन किया गया है जिसमें वो दूसरे पायलट वाले विमानों के साथ मिलकर लड़ सके। परीक्षण के दौरान एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से एक पायलट ने उड़ान की निगरानी की और विमान को अलग अलग गति और ऊंचाई पर उड़ाया। परीक्षण इसलिए भी खास था क्योंकि बीते 52 सालों में ये ऑस्ट्रेलिया में डिजाइन और निर्मित पहला सैन्य विमान था। इस सफल परीक्षण से बोइंग ने इस साल ऐसे विमानों के और यूनिट्स बनाने की बात कही है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 3 यूनिट्स जो हैं ऐसी बनाई गई हैं और अब आने वाले भविष्य में ऐसे और भी विमान बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि लॉयल विंग्समैन की में जो पूरा इन्वेस्टमेंट है वो रॉयल एयरफोर्स कर रही है और इस विमान को बना लेने के बाद ये कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में, क्योंकि हमने आपको हाल में दिखाया था टर्की ने अपने अनमैन्ड फाइटर जेट को रिवील किया था दुनिया के सामने, अब ऐसा दौर आ रहा है जब लोग मैन्ड फाइटर जेट नहीं बल्कि अनमैन्ड फाइटर जेट की तरफ पढ़ रहे हैं और आने वाले सालों में ऐसा हो सकता है कि युद्ध में इन फाइटर जेट्स का बोलबाला हो।